हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन मार्वल की प्रीलूड कॉमिक के बारे में, जिसका शायद एक ही पार्ट है। वेल, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले ये कहा गया था कि हमें इस कॉमिक में ये बताया जाएगा कि असल में इतने सालों तक कैरल डैनवस यानी कैप्टन मार्वल कहाँ थी, लेकिन जब मैंने इस कॉमिक को पढ़ा तो मुझे ऐसी कोई भी डिटेल नहीं मिली। सिर्फ ये बताया गया कि निक फ्यूरी ने इतने सालों तक अवेंजर्स से ये बात कैसे छुपा रखी कि उनके पास सबसे खास सुपर हीरो है, जिसे वो काफी खास मौके के लिए बचा कर रखा था, ताकि जब कोई बड़ा इवेंट हो तब वो जाकर कैरल डैनवस को बुला पाए। और हमें इस कॉमिक बुक में वही बताया गया कि कैसे सुकोविया में जब अल्ट्रॉन ने तबाही मचाई थी, तब भी निक फ्यूरी ने वहां पर कैप्टन मार्वल को नहीं बुलाया था। वो सिचुएशन उतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, जिसके बाद न्यू अवेंजर्स का हेडक्वार्टर बना, जहां पर सारे अवेंजर्स को रखा गया। उसके बाद सुकोविया अकॉर्ड्स का एक नया कानून लागू किया गया, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुई, और सिविल वॉर के दौरान निक फ्यूरी और मारिया हिल निकल पड़े और बस गायब हो गए। और उसी बीच हमें पता चला कि निक फ्यूरी ने कैरल डैनवस को बुलाने के लिए उस पेजर को काफी सालों तक अपने पास छुपाए रखा था। खैर, उसके बाद इन्फिनिटी वॉर के कुछ महीने पहले का इवेंट, जहां पर सीरियन में कैप्टन अमेरिका, फैल्कन और ब्लैक विडो मिलकर टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रहे थे। वो लोग वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेने गए थे, जिसमें उनका मिशन पास हुआ था। तब वहां पर निक फ्यूरी आकर कैप्टन अमेरिका से सजेशन मांग रहे थे कि वो इस लड़ाई को बंद कब करेंगे, जिसके बाद कैप्टन अमेरिका ने सीधे सीधे कहा कि तुमने ही मुझे कहा था कि मैं इस लड़ाई को कंटिन्यू रखूं, और अब ऐसी सिचुएशन में आकर तुम मुझसे ये कहोगे कि मैं चुप होकर बैठ जाऊं तो मुझसे ये नहीं होगा। और रही बात टोनी की, तो टोनी जब चाहे मुझे कॉल कर अपनी मदद के लिए बुला सकता है। और फिर सीधे हमें अवेंजर्स हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर टोनी ने नैनो टेक्नोलॉजी से अपना नया सूट बनाया था, और उसने वहां पर कैसे उसकी ट्रेनिंग ली थी। ये सारी डिटेल हमें उस कॉमिक बुक में मिलती है, जिसके बाद सीधे इन्फिनिटी वॉर फिल्म के एंड का इवेंट होता है, जिस इवेंट में ना चाहते हुए निक फ्यूरी को कैप्टन मार्वल को बुलाना ही पड़ता है। और जाते जाते निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल को मैसेज भेज देते हैं, और अब बाकी की डिटेल हमें मिलेगी कैप्टन मार्वल फिल्म में, कि असल में इतने सारे इवेंट के होने के बावजूद कैरल डैनवस कहां पर छुपी हुई थी, या फिर उसे कहां रखा गया था। बस यही डिटेल हमें इस कॉमिक में मिली, तो मुझे लगता है ये कॉमिक इतनी भी ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसकी डिटेल देनी काफी ज्यादा जरूरी थी, ताकि आप कैप्टन मार्वल फिल्म को बिल्कुल ब्लाइंड होकर ना देखो। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है कैप्टन मार्वल फिल्म को देखने के लिए। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथों तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।